हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर पुलिस ने 55 लाख की अवैध शराब पकड़ी, एक गिरफ्तार। पचपदरा पुलिस द्वारा अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता। टैंकर में परिवहन की जा रही 946 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब जब्त, एक मुलजिम गिरफ्तार। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपए। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अवैध शराब व मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोत्रा व वृत्त अधिकारी वृत्त बालोत्रा के सुपरविजन में पचपदरा थाना अधिकारी सुखाराममय जापता द्वारा 30 जुलाई को मुखबिर की इत्तला पर नाकाबंदी के दौरान टैंकर में परिवहन की जा रही हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब से भरे 946 कार्टन जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 30 जुलाई को प्रातः 9:15 पर दोहराने गश्त सुखराम को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि टैंकर नंबर RJ39GA3380 में अवैध शराब हरियाणा से भरा हुआ है, जो आगे बाड़मेर की तरफ अवैध शराब की सप्लाई देने जा रहा है। उक्त सूचना पर थाना अधिकारी में पुलिस जाप्ता द्वारा धुतवा चौकी के सामने नाकाबंदी की गई। दौराने नाकाबंदी टैंकर आने पर रुकवा कर चेक किया गया तो टैंकर के अंदर 946 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा निर्मित के विभिन्न ब्रांड करेजी रोमियो, मैकडोनल्ड विस्की नंबर 1, रॉयल चैलेंज विस्की से भरे हुए पाए गए, जिस पर शराब व वाहन को जब्त कर वाहन चालक सुरताराम पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी पापड़ो तला धनाव पुलिस थाना चौटन जिला बाड़मेर को गिरफ्तार किया गया। वाहन चालक ने पूछताछ के दौरान उक्त शराब से भरा टैंकर अंबाला से आगे बदी गांव के पास सुपुर्द करने पर लेकर आना तथा बाड़मेर सप्लाई देना बताया है, जिससे गहन पूछताछ जारी है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपए आंकी गई है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।